वादा गुलजार की दस्तक से जहां इलाके में दहशत फैली हुई है, तो वहीं वन विभाग की टीम ने गुलजार को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया है, लेकिन वन विभाग को कामयाबी नहीं मिली है। बता दें कि काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित एक बाग में मादा गुलजार को उसके दो बच्चों के साथ देखा गया था, जिसने बाग में मौजूद कुत्ते और अन्य जानवरों को घायल भी किया था, जिसके बाद मादा गुलजार काशीपुर के द्रोणा सागर स्थित टीले पर चली गई थी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मादा गुलजार के काशीपुर होने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई है, जिसके चलते वन विभाग की टीम द्रोणा सागर से टीले पर पहुंची, जहां टीम ने गुलजार को ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च अभियान चलाया, लेकिन वन विभाग की टीम को मादा गुलजार और उसके दो बच्चों की कोई गतिविधि नहीं मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम बेरंग वापस लौट गई। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मादा गुलजार और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है और समय समय पर पैदल गश्त भी की जाएगी, जिससे लोगों को सुरक्षा पहुंचाई जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि द्रोणा सागर टीले पर गुलजार के छिपने की काफी जगह है, जिससे कैमरे में मादा गुलजार नहीं आने की भी संभावना हो सकती है। रात सूचना मिली थी कि यहाँ पे गुलजार का थोड़ा मूवमेंट कम हो रहा है, तो उस वजह से हम लोगों ने देखने के लिए ड्रोन कैमरा अपने विभागीय ड्रोन कैमरा लेके आए और उससे पूरा सर्च किया गया, तो उसमें अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि यहाँ पे उसका कोई गुलजार की या टाइगर की कोई मूवमेंट वगैरह हो। बाकी और दूसरे तरीके से हम लोग सर्च करेंगे उसको, जरा पैदल भी घूमेंगे, उससे थोड़ा सा देखेंगे कि हो सकता है हो, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ थोड़ा छुपने उपने का भी उसका जगह बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत पुराना किला टाइप का है, यहाँ पर कोई आबादी का भी ऐसा नहीं है, चारों तरफ तो आबादी है, बीच में ये किला टाइप का है, तो हो सकता है यहाँ हो, कहा भी नहीं जा सकता अभी, ये तो जब उसका दोबारा से कुछ ऐसा होगा तो उसमें फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।